केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जामताड़ा शहर में ठेला और खोमचे लगाकर अपने परिवार की गाड़ी को चलाने वाले दैनिक मजदूरों को इस कोरोना संकट के दौर में आर्थिक विपन्नता से जूझना पड़ रहा है, जिस वजह से इन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भाजपा के तेज तर्रार नेता राजेंद्र राउत ने इन लोगों की पीड़ा को डीसी के समक्ष रखा है। आज भाजपा नेता राजेंद्र राउत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने डीसी से ठेला और खोमचे लगाने के लिए अनुमति की मांग की है। इस मौके पर अजय राउत, कैलाश सिंह, पूरन राउत, रंजीत रवानी, गोनू मंडल, निमाय मंडल, अशोक चौबे, पप्पू रवानी, अजय कुमार यादव, नवल रावत, दिलीप रावत, झगड़ू रावत, राजेश रावत और मलाई मंडल तथा अनेक ठेले वाले उपस्थित थे। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। हम लोग जिला में आए हुए थे डीसी साहब के पास। जितने भी ठेला वाला, खमचा वाला, जिन लोग फुचका बेचता हो, चाट बेचता हो, चाउमीन बेचता हो, इडली बेचता हो, डोसा बेचता हो या मोमोज बेचता हो, उन लोग का जो दुकान बंद है 3 महीना से, उन लोग का दयनीय हालत बहुत खराब है। जो इसीलिए आज जितने भी ठेला वाला, इन लोग एक तरह से मजदूरी करके खाते हैं, इन लोग के लिए आज एक डीसी साहब को और कहें कि इन लोग का किसी प्रकार कोई भी तरह से इन लोग का हेल्प कीजिए, ऑर्डर दीजिए, इन लोग को खोलने का ऑर्डर दिया जाए। इसी के चलते हम लोग आए हुए थे डीसी साहब के पास। लोग समन्वय के ऑफिस में आए हुए थे डीसी साहब के पास मिलने के लिए। उसमें से हम लोग ज्ञापन दिए साहब को और साहब से निवेदन यही करते हैं कि हम लोग को आदेश कर दिया जाए ताकि हम लोग अपना रोजी रोजगार करके बाल बच्चों को खिलाएं, अपना संसार चलाएं।